आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वडक्कम, मैं अमृता, डिवाइन गुजराती चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मैं हूँ सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर रिचा, एंड आई ऑल्सो हैव टू ब्लॉग्स विच आर एक मोटिवेशन ब्लॉग है जो मैं 6 साल से चला रही हूँ, जो ग्लोबल रीडरशिप है उसकी, और दूसरा ब्लॉग एंटरटेनमेंट ब्लॉग है जो एक नई शुरुआत है। ओके, सो इन दोनों के लिंक्स जो हैं आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है कि आर दे थिंकिंग अबाउट यू, आर यू ऑन देयर माइंड। ओके, सो ये टॉपिक है कि क्या आपकी पर्सन, कोई भी हो सकते हैं, वो आपकी फ्रेंड, लवर, क्रश, एक्स, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, आपकी वर्क प्लेस से कोई पर्सन है, कोई एनी वन यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट, कोई पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप उनके माइंड में, माइंड पे सवार हो, दिमाग पे, दिलो दिमाग पे सवार हो आप उनके, ये हम आज जानने वाले हैं। और हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स, तो मैंने आज यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं ताकि आप सेलेक्ट कर सकें ईजिली। सो मैं आपको दिखा देती हूँ 3 पाइल्स में से पाइल नंबर 1 है ये कार्ड, सक्सेस, सक्सेस ओशो जेन के कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 2 इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, पाइल नंबर 2 क्रिएटिविटी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सक्सेस, क्रिएटिविटी, एंड द थर्ड कार्ड इज करेज, करेज। Okay, so close your eyes, take a deep breath and focus on the cards, meditate on the cards. Alright friends, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ठीक है, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप इजीली फोकस कर सकें कौन सा कार्ड आप, कौन सी पाइल आपने सेलेक्ट करनी है। Alright, so मैं शुरुआत करूँगी पाइल नंबर 1 से। We'll get सारे जिन्होंने सक्सेस कार्ड सेलेक्ट किया था, देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आर यू ऑन देयर माइंड, आर दे थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स फाइंड आउट। ओके ओके, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग फ्रेंड्स, रिमेंबर टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डज नॉट। ठीक है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। पहला कार्ड है 3 of Swords इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Cups, 5 of Rods, 7 of Cups, 6 of Rods, 9 of Cups, 9 of Wands, we have 2 9s over here, 4 of Swords, 6 of Swords in reverse, 2 of Wands, 2 of Rods, that is, and Death in reverse. Okay, I just heard channel message. I heard this person say, "Catch me if you can, catch me, catch me." So, हो सकता है ये person जो है थोड़ा elusive act कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन आप लोगों का एकदम नो कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट आप लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों के केस में ब्लॉकिंग भी हो सकता है हो, तो आपके पर्सन जो है फिलहाल एक्शन लेने के मूड में नहीं है फ्रेंड्स, इतना मैं बता दूं, लेकिन
स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो वो आप इस कनेक्शन को लेट को भी नहीं करने देना चाहते. दे वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन. वो इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, वो इस कनेक्शन को लेट को नहीं करने देना चाहते, वो इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं होना चाहते. तो फ्रेंड्स, मैं इतना भी आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपकी पर्सन जो है किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल से गुजर रहे हैं. हो सकता है उनको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, करियर रिलेटेड स्ट्रगल उनको चल रही है, या उनको वैसे ही कोई इमोशनल स्ट्रगल है जो उनको चल रही है. टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू फ्रेंड्स. सो ऑल्सो वन थिंग आई एम स्ट्रांगली गेटिंग इज कि उनको ये भी लगता है कि आपके काफ़ी एडमायरर्स हैं, यू हैव मैनी सूटर्स, दैट्स व्हाट दे थिंक अबाउट यू, कि आपको काफ़ी लोग चाहते हैं, आपके काफ़ी एडमायरर्स हैं, आपके काफ़ी लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, दूर से आपको चाहते हैं, और आप काफ़ी सूटर्स हैं, आप काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, यू आर वेरी चार्मिंग, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है आपकी, आप क्रिएटिव हो, आप एम्बिशियस हो, ठीक है, और हो सकता है आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, या आपको रिसेंटली कुछ सक्सेस मिली है, या वो आपकी जो पर्सन है वो अपनी सक्सेस से ज़्यादा आपको सक्सेसफुल मानते हैं, ठीक है. तभी आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था सक्सेस, उनके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो उनसे, ठीक है, और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो. आई एम हियरिंग इस्टेब्लिश्ड. उनके अकॉर्डिंग आप उनसे ज़्यादा इस्टेब्लिश हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है फ्रेंड्स. अनदर थिंग, ये पर्सन जो है वेट कर रहे हैं राइट टाइम का. एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि राइट टाइम का वेट करना क्या होता है. एनीवे कोई बात नहीं, ये पर्सन जो है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और इनको विश्वास है कि जिस चीज़ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न इनको ज़रूर मिलेगा. इनको ही रिटर्न्स मिलते आए हैं, आपको तो रिटर्न मिला नहीं अभी तक जितना मुझे दिख रहा है कार्ड्स में. आपने इन्वेस्ट किया है, आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया है इमोशनली किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप में, आपको उतना रिटर्न नहीं मिला है जितना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है. सी, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ, आई टेल यू द ट्रुथ, बिकॉज कार्ड्स नेवर लाई. ओके, सो आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है फ्रेंड्स. बिलीव मी और नॉट, whether you believe me or not, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हैं, कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है. When they look at you, I'm hearing suave. If you're a man, they think you're very suave, you're very charming. अगर आप जो है वोमन हैं, फीमेल देख रहे हो, तो आप उनको ऐसा लगता है कि आप they cannot take your eyes off you. Okay. उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपको देखते हैं तो उनकी नज़रें आप पर से नहीं हटती हैं, और वो तभी आपको देख रहे होते हैं जब आप नहीं देख रहे होते उनकी तरफ. ओके, जब आपको लगता है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट वर्किंग आउट, या जब आपको लगता है कि जस्ट व्हेन यू गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, दैट इज़ व्हेन दे लुकिंग एट यू, वेदर इट इज़ ऑन योर सोशल मीडिया, वेदर इट इज़ इन रियल लाइफ, ठीक है. चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो या चाहे वो आपकी रियल लाइफ हो, वो आपको आप पे नजर तभी तान के बैठे होते हैं जब आप नहीं देख रहे होते हो, जब आपको लगता है कि आप मतलब आप बेफिक्र हो जाते हो ना तब. ये पर्सन को आप बहुत इस्टेब्लिश लगते हो, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, हो सकता है आप यूट्यूबर हो या आप किसी आप पब्लिक फिगर हो मेरी तरह, ठीक है, या आप जो है कुछ ऐसा काम करते हो जैसे पब्लिक डीलिंग होती है, या आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू. लेट मी टेल यू, दे आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू, एंड आई एम हियरिंग अनएक्सपेक्टेड. सो ये जो आपकी, हो सकता है आपको उसी में सक्सेस मिली है रिसेंटली, या वो सक्सेसफुल हो आप उनसे ज़्यादा इसमें, तो हो सकता है आप लोगों के इंटरेस्ट भी सेम हो, कॉमन इंटरेस्ट हों आपके, ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं आपके इंटरेस्ट में, आपकी हॉबीज़ में, आपके करियर की चॉइसेस में. सो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, हो सकता है आपने कभी ड्रॉप किया हो ये वर्ड उनके सामने सोलमेट. इट्स स्केयर्ड देम, बट अगेन दे आर बिलीविंग दैट यू आर देयर सोलमेट.
ये पर्सन बहुत ही स्लो में स्लोली स्लोली स्लोली, अगर ये आपके लव इंटरेस्ट हैं जिनसे आप शादी करना चाहते हो तो वो मैं बताऊंगी कि वो डेफिनेटली आपकी इनके साथ शादी पॉसिबल है, हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दें, या तो पॉसिबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे सकते हैं या नेक्स्ट ईयर, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आई एम गेटिंग कि अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था तो ये पर्सन उससे भी रिकवर कर रहे हैं, इनकी हीलिंग हो रही है, इनका एंड हो चुका है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, इनका एंड हो चुका है जिससे ये हील हो रहे हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग सबक, इनको सबक मिल गया है कि आपके जैसा कोई नहीं है, उन्होंने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया। सो क्या आर यू ऑन देयर माइंड? येस यू आर ऑन देयर माइंड, येस यू थिंक अबाउट यू, और वो डेफिनेटली सोचते हैं आपके बारे में, और आपको लेके बहुत पैशन है उनके मन में, इमोशंस भी हैं आपको लेके, बहुत पैशन है, इमोशंस हैं, और इवन दो उनके पास हो सकते हैं काफ़ी चॉइसेस हों, या वो ऐसा सोचते हैं कि आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, लेकिन तब भी आपका दिल उनको चाहता है और उनका दिल आपको चाहता है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, यू गाइज लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। सो और चलिए मैं आपको मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, एक और नई रीडिंग के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक इतना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाइल 1 मैं आपको दूसरी रीडिंग मिलूंगी, बाय बाय। पाल टू, हाउ आर यू गाइज डूइंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही हो, स्वस्थ हो, अपना ख्याल रख रहे हो, क्योंकि आप मेरे लिए अमूल्य हो। जिन्होंने क्रिएटिविटी कार्ड चूज किया था, क्रिएटिविटी कार्ड सेलेक्ट किया था आपने, सो चलिए देखते हैं कि आर यू ऑन योर पर्सन्स माइंड, डू दे थिंक अबाउट यू, आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या वो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? अब वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपके फ्रेंड, लवर, एक्स, क्रश, आपके हस्बैंड, वाइफ, या कोई भी और पर्सन हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, पहला कार्ड आया है 6 of Cups। द हाई प्रीस्टेस, The Emperor, Page of Pentacles, Page of Swords, Two of Pentacles, So, क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ बिल्कुल एंड तक। ग्रैब योर कप ऑफ कॉफी और टी एंड सिट टिल द वेरी एंड, ओके। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में जो है कुछ कनेक्शन टूटा था, या ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हुई है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ सीक्रेट्स थे जो छुपाए गए हैं, चाहे उन्होंने आपसे छुपाए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट छुपाए हैं, कुछ सीक्रेट्स आपको पता चले हैं उनके बारे में, ठीक है, पता चलने वाले हैं उनके बारे में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको कोई सीक्रेट उनका पता चलने वाला हो, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपसे नो कॉन्टैक्ट में हो, हो सकता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, या बात कर रहे तो उस तरह से ठीक से आपकी बात नहीं हो रही उस पर्सन के साथ, ठीक है। सो अभी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, उसके आपका 6-year-old, 7-year-old रिलेशनशिप हो, या से आप इनको वर्क से या कॉलेज से जानते हो, आपने साथ में जॉब किया हो, वर्क किया हो, बिजनेस किया हो, या साथ में आपने पढ़ाई की हो, या 6-7 महीने से आप इनको जानते हो, 1 साल से जानते हो, कुछ सालों से जानते हो, 6-7 सालों से जानते हो आप इनको, ठीक है, उस केस में पॉसिबल है। तो ये पर्सन जो है आपके सोलमेट हो सकते हैं फ्रेंड्स। आई एम हियरिंग लेगेसी, दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड अ लेगेसी विद यू, एंड दे सी यू एज अ मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन और द फादर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। सो आप ये जो
पर्सन है, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये हो सकता है इन्होंने अपने फाइनेंसिस को लेके परेशान हुए फिलहाल, अपने फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके हो सकता है परेशान है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दो दो एक करियर ऑलरेडी है, दूसरा साइड हसल भी ट्राई कर रहे हैं, और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि और भी दो दो करियर्स वो ट्राई कर रहे हैं, तो जो वो ट्राई कर रहे हैं दो दो करियर साथ साथ में, और आई एम हियरिंग दे वॉन्ट टू बी योर प्रोवाइडर, ओके, दे वॉन्ट टू बी योर प्रोवाइडर, वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, और वो चाहते हैं कि आप जब वो आपसे शादी करें, येस दे वॉन्ट टू मैरी यू, जब वो चाहते हैं कि जब आपसे उनकी शादी हो तो आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। सो इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको अभी तक नहीं पता हैं, या वो जस्ट जनरल उनको क्यूरोसिटी है आपको लेकर, उनकी क्यूरोसिटी जो है आपको लेकर वो ख़त्म नहीं होती है, तो वो और बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते जाते हैं कि आपके बारे में और जाने और जाने और जाने। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्टेड हो, शाय हो, इंट्रोवर्टेड हो, या आप उतना ही अपने बारे में, आपका एक पर्सनल रूप अलग है और प्रोफेशनल रूप अलग है। अगर आपने इस पर्सन के साथ काम किया है या आप काम के सिलसिले में इस पर्सन से मिले थे, तो हो सकता है कि आपका एक जो एक पर्सनल रूप है ना वो अलग है। हम होता ही है ऐसे, हम मोस्टली लोगों का ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि जो इंसान ऑफिस में चुप चुप रहता है वो पर्सनल लाइफ में भी चुप चुप रहता हो, या जो ऑफिस में बहुत बोलता है वो पर्सनल लाइफ में बहुत बोलता हो, सबके साथ ऐसा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्योंकि जो मैं इतना ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो ये पर्सन ने हो सकता है पास में आपको टू टाइमिंग करी हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे, डोंट वरी, सोशल मीडिया पे दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर चेकिंग योर सोशल मीडिया, दे आर स्पाइंग ऑन यू एंड दे वॉन्ट टू मेक यू एन ऑफर, वो आपको एक दे वॉन्ट टू मेक यू एन ऑफर। ये पर्सन हो सकता है शुरुआत में आपको एक ऑफर करें, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, आपके साथ कोलैब करना चाहें, कोलैबोरेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको फ्रेंडशिप की फिर से शुरुआत करने के लिए कहें कि लेट्स बी फ्रेंड्स, धीरे धीरे रिलेशनशिप और धीरे धीरे मैरिज। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि विद इन 2-3 ईयर्स आपकी मैरिज भी हो सकती है इस पर्सन के साथ, और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके जाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, स्टॉक करते हैं आपका सोशल मीडिया, और ये पर्सन जो है ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, जो मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं। ये पर्सन ने आपको कोल्डली ट्रीट किया था पास्ट में, हो सकता है ये पर्सन आपके आपको जो है दे वॉन्ट टू टेक यू आउट ऑन अ वेकेशन। ये पर्सन को आप बहुत ही लर्नड लगते हो, ट्रेडिशनल लगते हो, अच्छे लगते हो, ऑथेंटिक लगते हो, इनको उनके आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत डायनामिक है, आपका क्लोदिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत अच्छा लगता है, और आपका जो है पर्सनालिटी बहुत कमांडिंग है। हो सकता है दे के नॉट शेक यू, दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग, ओके, कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को कुछ भी करके आपकी पर्सनालिटी को शेक नहीं कर सकते, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी वैल्यूज़ नहीं, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी डिटर्मिनेशन को, आपकी जो कमांडिंग पर्सनालिटी है उसको वो शेक नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी नींव को वो हिला नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसा करना चाहते हैं, बट आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हो सकते हैं वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है कि अगर मैनिपुलेट करके भी वो अपना बेनिफिट वो नहीं उठा सकते आपसे, ये बात वो जानते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सेक्रेड, आप सेक्रेड हो, आप प्योर हो, आप मैरिज मटेरियल हो, ऐसे देखते हैं वो आपको। तो आपके बाद जब आपकी बात आती है तो बहुत ही प्योर सोचने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, दे थिंक अमेजिंग अबाउट यू, बहुत अच्छे विचार उनके आपके बारे में। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई ख़राब इंसान है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो वो इंसान मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं, इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, या हो सकता है आपके सामने नर्वस हो जाते हैं, आपके सामने वो कुछ बोल नहीं पाते, वैसे सबके सामने बड़ा बोलते होंगे, आपके सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। सो और इस पर्सन को जो है आप बहुत क्रिएटिव लगते हो, आपकी क्रिएटिविटी, हो सकता है आप आर्टिस्ट हो या आप क्रिएटिव काम कुछ करते हो, सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, फैशन डिज़ाइनिंग,
या बेकिंग कुकिंग कुछ भी ऐसा काम है क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो आप करते हो, पेंटिंग, तो वो पर्सन को आपका ये काम, आपका ये हुनर बहुत भाता है, उनको बहुत पसंद है और उनको ऐसा फील होता है कि अपनी क्रिएटिविटी से आप चांद को भी ज़मीन पे ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, वो थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। सो पाइल 2 में आपको मिलूंगी नए वीडियो नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, चाओ, लव यू। ओके, सो पाइल 2 के लिए इतना ही। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। सो पाइल 3, आर यू रेडी पाइल 3? जिन्होंने करेज कार्ड सेलेक्ट किया था, करेज, हो सकता है आपकी पर्सन करेज जुटा रहे हो आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए या कुछ बताने के लिए, वो हिम्मत जुटा रहे हैं, उनको आपके सामने पावरलेसनेस फील होती है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। आपके पर्सन को आप बहुत करेजस लगते हो, बोल्ड लगते हो। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है कि आर यू ऑन देयर माइंड, आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या आपके पर्सन, आपकी क्रश, लवर, एक्स, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी आपके पर्सन है जो आपके माइंड में है, क्या वो आपके आपके लव इंटरेस्ट, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या आप उनके दिलो दिमाग पर हावी हो? ये हम आज देखने वाले हैं। द मजिशियन, लो जी पहला कार्ड ही मजिशियन आ गया। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एट ऑफ कप्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फाइनली, एंड नाइट ऑफ रॉड्स। तो ये जो पर्सन है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ से इन आउट होते रहते हैं, ऑन ऑफ आपकी रिलेशनशिप होती रहती है इनके साथ में, और अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से आते, अपनी मर्जी से चले जाते, अपनी मर्जी से बात करते, अपनी मर्जी से बात करना बंद कर देते हैं। ये मुझे दिख रहा है कुछ केस में इस पर्सन ने पास में वॉकआउट किया था आपकी रिलेशनशिप से, और अभी जो है कहीं ना कहीं इनके मन में विचार है वापस आने का। ठीक है, इतना मैं बता दूँ, वापस आने का विचार है इनके मन में, या इनको रिग्रेट है कि मैंने वॉकआउट क्यों कर दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये पर्सन उसका सेल्फ सबोटाज कर रहे हूँ या आप कर रहे हो सेल्फ सबोटाज, मतलब किसी ने, मैं सख्त खिलाफ हूँ सेल्फ सबोटाज के फ्रेंड्स, चाहे वो आपके पर्सन हो या आप हो। सेल्फ सबोटाज कभी नहीं करना चाहिए। कोई रिश्ता, कोई भी लाइफ में कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन, कोई प्रॉब्लम, कोई एडवर्सिटी, कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता कि आप खुद को नुकसान पहुँचाओ कभी। आप अमूल्य हैं, आप प्रेशियस हैं, आपकी ज़िंदगी प्रेशियस है, आप मिले अमूल्य हैं। इस दुनिया को आपके जैसे खूबसूरत लोगों की बहुत ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है आगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप अपने बारे में सोचिए कि मैं इतना सक्सेसफुल या इतनी सक्सेसफुल होकर दिखाऊँ कि जिन लोगों के, उन लोगों के मुंह बंद हो जाए। ठीक है, तो अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आपको आपके पर्सन तक ये मैसेज आए हो पहुँच जाए। ठीक है, या आप इसको जानते हैं उनको, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो सेल्फ सबोटाज बंद कर दें। ठीक है, क्या बताऊँ मैं, ये रीडिंग बहुत ही अजीब सी रीडिंग आई है, वियर्ड रीडिंग है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बताते हुए ऐसे कि ऐसा नहीं कि पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो जब फ्री होते हैं ना, एक आध बार देख लिया सोशल मीडिया आपका, बस उसके अलावा नहीं देख सोचते आपके बारे में। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, मैं शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखिए इतने सारे कार्ड्स हमारे जो बेस्ट कार्ड्स हैं वो रिवर्स में आए हैं। ये पर्सन आपके साथ जो है, दे जस्ट वांटेड टू किल टाइम विद यू।
दे जस्ट वांटेड टू पास देयर टाइम विद यू, वो सीरियस नहीं थे आपको लेके फ्रेंड्स. और अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो अपनी आंखें खोल लीजिएगा, मैं आपकी वेल विशर हूँ, आपको आपके साथ गलत कभी नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है. सो ये पर्सन जो है, आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, बहुत आपको शायद प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत डायनामिक हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, आप एम्बिशियस हो, आप टैलेंटेड हो, आपकी आपकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपको पाके कोई भी लकी महसूस करेगा. लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है ना, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, ठीक है. दे कैन नॉट अफोर्ड यू, ठीक है. सो यू आर वेरी प्रेशियस, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट अफोर्ड यू, क्योंकि उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है. आई एम सॉरी टू से, बट ये पर्सन जो है, देखिए, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, टेन ऑफ कप्स का कार्ड, दोनों रिवर्स में आए हैं. इस पर्सन ने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आपसे बेशक कहा हो, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं है कभी, ठीक है. ये पर्सन को जो है, जब लोग इनको ऑफर, जब इनके ऑफर्स को, प्रपोजल्स को, जब इनकी फ्लर्टेशनेस को लोग, जब लोग रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे ना, तब इनको आपकी याद आएगी. मैं बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल होने वाले हो, इतना आगे बढ़ने वाले हो आप, कि जब इनकी लाइफ का बुरा वक्त चल रहा होगा ना, तब इनको आपकी याद आएगी. याद आएगी, लेकिन तब याद आएगी जब इनका बुरा वक्त चल रहा होगा, ठीक है. सो इनको कोई धोखा देने वाला है, इनको कोई धोखा देने वाला है, ठीक है. उससे पास में इन्होंने आपको धोखा दिया हो तो ये पर्सन की एनर्जीज बहुत ही डार्क एनर्जीज हैं. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. बहुत डार्क एनर्जीज हैं इस पर्सन की. फिर भी अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको रीच आउट करें, तो अक्टूबर में 10 वीक्स 10 मंथ्स 10 या 10th मंथ, जैसे मैंने बताया अक्टूबर, उसमें पॉसिबल है, ठीक है. या डिवाइन टाइमिंग पे होगा ये, अगर अगर इस अक्टूबर में नहीं हुआ तो ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा फ्रेंड्स. सो आपने इस रिलेशनशिप को अपना 110% दिया है, ठीक है. वो लेकिन आपको उसका रिटर्न उतना नहीं मिला जितना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है. ये पर्सन ने जो है आपकी प्यार की कदर नहीं करी है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं करी है इस पर्सन ने, और इसका नतीजा आप भुगत रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है. तो लेकिन आपको जो है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, ठीक है. यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन, और आपको जो है लाइफ में कोई बहुत ही चार्मिंग कैरिज्मेटिक पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे, आपकी बहुत नर्सिंग करेंगे आपको. तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनके साथ पॉसिबली आपका फ्यूचर भी हो सकता है. बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको और डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है. सो क्या आई डू दे थिंक अबाउट यू, 20-30% दे थिंक अबाउट यू, एंड वो भी जब वो फ्री हो, चलो मैं लो फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा तो देख लिया, ठीक है. अदरवाइज नहीं, ठीक है. सो द आंसर इज नो. सो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नई वीडियो, नई शुरुआत के साथ. तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. ये थी आज की रीडिंग. आपको कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग्स लाने में, बनाने में फ्रेंड्स. सो अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और तहे दिल से आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, ओके. एंड आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा बेस्ट विशेज दी, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, इतनी ज़्यादा मेरे लिए, क्या कहूँ मैं, आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस, शब्द नहीं है मेरे पास. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए, और अगर आप मेरे चैनल को डोनेशंस करना चाहते हैं, सो यू मोस्ट वेलकम टू डोनेट टैरो डेक्स, एंजल डेक्स टू माई, और क्रिस्टल्स टू माई चैनल. और सबसे अच्छा डेक डोनेट करने वाले को जो है फ्री 3 कार्ड रीडिंग दी जाएगी, ठीक है. उसके लिए आप मुझे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और अगर आप अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो मेरा ब्लॉग है जो अबाउट सेक्शन में मेंशन है, AVP Readers Paradise ब्लॉग है, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अपना नज़रिया बदल सकते हैं, आप खुद पॉजिटिव सोच सकते हैं, तो अपने जो लोड है ज़िंदगी के वो पीछे छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है.
तो ये सारे बेनिफिट्स हैं उस ब्लॉग के उस, ठीक है। सो चलिए, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो भी डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और डीएम टू डीएफ की रीडिंग में लाऊंगी बहुत जल्द, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू।